तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नू टेक। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के तरफ से बड़ा अपडेट कर दिया गया है। अपडेट यही है, पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हर सिटी में नहीं मिलता था, लेकिन अपडेट करने के बाद इंडिया का कोने कोने आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। और एक बात, पहले आप जब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते थे, उस टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कोई पेज नहीं ओपन होता था, लेकिन आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाके आप देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो आप किस तरह फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही अपडेट वीडियो में सबसे पहले लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ यहाँ पे पेश करना है। आपका यदि ये ऑप्शन नहीं देखा दे रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो लिखने के बाद इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रेस करके अप्लाई नाउ पर आपको प्रेस करना है। तो मैं अप्लाई नाउ पर प्रेस कर लेता हूँ। तो पेज करने के बाद देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का पेज निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे आपको फुल नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, उसका नीचे आपका मदर्स नेम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप मैरिड हो और शादीशुदा हो, आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एडुकेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद और एक पेज निकल के आएगा, वहाँ पे आपको पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह आपको देना पड़ेगा। मैं आगे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं अप्लाई पहले कर लिया है, इसलिए आपको आगे नहीं दिखा पाऊँगा। तो इस तरह आप भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड तरफ से एक एजेंट आएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप ले जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा और सैलरी स्लिप, नहीं तो ITR फाइल है, तो आपको ये कार्ड आसानी से मिल जाएगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाइएगा सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा पेटीएम फुल KYC कैसे आप घर बैठे करेंगे, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो गुड बाय, जय हिंद।